మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ బటన్ ని ప్రెస్ చేయండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ బై బో అడ్వాన్స్ లెర్నింగ్. ఆజ్ కే వీడియో మే హమ్ సోర్స్ కే బారే మే స్టడీ కరేంగే. జసా కి హమ్ పిచ్లే లెక్చర్ మే ఆప్కో బతాయే థే कि जो भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको अगर सॉल्व करना है तो उससे पहले हमें कुछ चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, जैसे मैंने इसके पहले वाले वीडियो में करंट डिस्ट्रीब्यूशन, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ईजिली मैंने बताया, और आज के वीडियो में हम पूरे सोर्स के बारे में बताएंगे कि सर्किट में जो भी वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स लगे होते हैं उनका म्यूचुअली कैसे हम जो है कन्वर्जन करते हैं. सोर्स के बारे में स्टडी के लिए तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा नहीं जानना है, उतना ही जानना है जो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो यहाँ जो भी डाटा सोर्स से रिलेटेड है आपके सामने प्रेजेंट कर दिए गए हैं ताकि इस समय डायरेक्ट लिखने में टाइम ना लगे, तो इसलिए जो भी बातें हैं आपके सामने हैं. देखिए, सोर्स का हिंदी मतलब होता है क्या? स्रोत. क्या स्रोत? एनर्जी स्रोत. अब देखिए, जो सर्किट को एनर्जी प्रोवाइड करता है, जैसे मान लीजिए आपके घर में ही सर्किट लगी होती है, हर जगह सर्किट है, चाहे बाहर देखें चाहे अंदर देखें, हर जगह सर्किट है. तो सर्किट तो हर जगह है, तो बल्ब जलाना है आपके घर में चाहे पंखा चलाना है आपको, तो एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा ना. जिसके द्वारा हम एनर्जी देते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? सोर्स बोलते हैं. जनरली हम दो तरह के सोर्स का स्टडी करते हैं, एक सोर्स होता है आपका करेंट सोर्स और एक होता है आपका वोल्टेज सोर्स. देखिए, वोल्टेज सोर्स तो सिंपली बैटरी होती है या जनरेटर होता है जो सर्किट को वोल्टेज सोर्स वोल्टता प्रोवाइड करता है, वोल्टेज प्रोवाइड करता है. और करंट सोर्स क्या होता है? जो सर्किट को करंट प्रोवाइड करता है, जैसे आपका डायोड हो गया, जीना डायोड हो गया, या बायस ट्रांजिस्टर हो गया, जैसा कि मैंने पहले बताया था. तो इस तरह से करंट सोर्स का काम ये करते हैं, वोल्टेज सोर्स का काम बैटरी या जनरेटर करता है. तो यहाँ हम इसका थोड़ा स्टडी करेंगे. देखिए, सोर्स रियली में दो प्रकार का होता है, एक होता है इनडिपेंडेंट सोर्स, दूसरा होता है डिपेंडेंट सोर्स. यहाँ हम क्लासीफाई करेंगे तो दो प्रकार का क्लासिफिकेशन हमें फाइंड आउट होगा, एक इनडिपेंडेंट और दूसरा क्या होगा? डिपेंडेंट सोर्स. तो यहाँ पे देखिए, इनडिपेंडेंट क्या है और डिपेंडेंट क्या है, यहाँ आप इसका मतलब समझ लीजिए यहीं पे. कि जैसे मान लीजिए कि अगर कोई सर्किट है, यहाँ पे कोई सर्किट है, यहाँ मान लीजिए यहाँ 20 वोल्ट की सप्लाई है, और यहाँ हम क्या किए इसमें करेंट की वैल्यू या रेसिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा दिए, घटा दिए, कुछ में चेंजिंग कर दिए. लेकिन हम ये देखेंगे कि यहाँ इस ब्रांच में चाहे इस ब्रांच में कोई भी चेंजिंग हो तो इस वोल्टेज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है. तो इसको हम बोलते हैं क्या? इनडिपेंडेंट सोर्स. ठीक है, चाहे यहाँ पे करेंट सोर्स लगा दीजिए, चाहे यहाँ पे वोल्टेज सोर्स लगा दीजिए, अगर ये अदर ब्रांच के करेंट या रेसिस्टेंस के इफेक्ट से अनइफेक्टेड है तो समझ लीजिए कि ये कौन सा होगा? आपका इंडिपेंडेंट सोर्स होगा. ठीक है, और डिपेंडेंट सोर्स में क्या होता है कि जो भी आपका सोर्स है, इसी इंडिपेंडेंट को तो पहले हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है ना, इसको क्या करते हैं? ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. इसकी जो वैल्यूज होती है वो ब्रांच के करेंट पर डिपेंड करती है. मान लीजिए यहाँ करेंट आई एक्स फ्लो हो रहा है, और यहाँ पे आपका वोल्टेज सोर्स है, और ये के आई एक्स डिपेंडेंट है. मतलब इसकी वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी तो ये भी वैल्यू बढ़ेगा या घटेगा. इस प्रकार से इस सोर्स की जो वैल्यू होती है वो ब्रांच के करंट पे क्या करती है? करंट पे या वोल्टेज पे क्या करती है? डिपेंड करती है. तो ऐसे को हम बोलते हैं क्या? डिपेंडेंट सोर्स. उसका क्लासिफिकाई हमने ऐसे आपके सामने किया है, क्लासिफाई. यहाँ पे इसको क्लासिफाई करने के लिए आप 2 times Vs लिख दीजिए, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स. अब इसके बाद क्लासिफिकेशन बहुत इजीली कर सकते हैं. क्या? वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स कर सकते हैं, वोल्टेज सोर्स करेंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हो सकता है. अब फिर क्या है? करेंट सोर्स वोल्टेज डिपेंडेंट करेंट सोर्स. ठीक है, अब फिर क्या? करेंट डिपेंडेंट करेंट सोर्स. आप ऐसे इसको क्लासिफाई करते हैं, कर सकते हैं बहुत इजीली. एक बार और देख लीजिए, हमने Vs, Cs और Cs 2 times लिख दिया, उसके बाद इसको वोल्टेज डिपेंडेंट बना दिया, इसको करेंट डिपेंडेंट बना दिया, फिर इसको हमने वोल्टेज डिपेंडेंट बना दिया, फिर इसको हमने क्या किया? करेंट डिपेंडेंट बना दिया. ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि यहाँ पे वोल्टेज, यहाँ पे हमने क्या किया? डिपेंडेंट सोर्स को हमने क्या कर दिया? यहाँ पे क्लासिफाई कर दिया. ठीक है, तो
देखिए, अब डिपेंडेंट सोर्स और इनडिपेंडेंट सोर्स में क्या कॉम्पिटिटिव पॉइंट है जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछता है, वो ये है कि जो इनडिपेंडेंट सोर्स होता है वो होता है नॉन लीनियर यूनिलैटरल एलिमेंट होते हैं ये। अगर इंडिपेंडेंट सोर्स से पूछा जाए कि कौन से सोर्स हैं तो ये नॉन लीनियर होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज और करंट के बीच अगर आप ग्राफ खींचेंगे इसमें तो आपको एक लीनियर लाइन नहीं प्राप्त होगी, मतलब प्राप्त होगी भी तो उसका ओरिजिन जो भी होगा वो ओरिजिन जीरो नहीं होगा, ठीक है, वो ओरिजिन जीरो नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए इनको हम नॉन लीनियर में आप जो है काउंट करते हैं। यूनिलैटरल तो आपको जानते ही हैं कि और एक ही डायरेक्शन में इसमें क्या होगा, करंट फ्लो होगा, प्लस से माइनस या करंट सोर्स जो है फ्लो होगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे समझ लीजिए कि अब इंडिपेंडेंट सोर्स दो प्रकार का हो गया, एक वोल्टेज सोर्स और दूसरा क्या हो गया, करंट सोर्स। अब वोल्टेज सोर्स दो प्रकार का होता है, आइडियली वोल्टेज सोर्स और दूसरा क्या होता है, प्रैक्टिकली वोल्टेज सोर्स, ठीक है ना। इस प्रकार से करंट सोर्स भी दो टाइप्स का होता है, एक आइडियली करंट सोर्स और दूसरा क्या होता है, प्रैक्टिकली करंट सोर्स, ठीक है ना। तो इस प्रकार से वोल्टेज सोर्स भी दो प्रकार का होता है और करंट सोर्स भी क्या होता है, दो प्रकार का होता है। तो यहाँ पे इनके दोनों टाइप्स लिखे हुए हैं, देखिए आइडियली और प्रैक्टिकली। देखिए हमेशा जो है आपको आइडियली और प्रैक्टिकली दो चीजें आपके सामने बहुत आएंगी। आप इसका सीधा उदाहरण ये समझ लीजिए कि एक पुरुष या कोई एक नेता, चाहे कोई भी आइडियल कब कहेंगे, जो वो पूरा 100% ईमानदार हो, तो क्या कोई 100% ईमानदार है? कोई भी नहीं है। तो मतलब क्या है, तब आप उसको क्या कहेंगे, प्रैक्टिकली कहेंगे, व्यवहारिक कहेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास ट्रांसफार्मर की अगर आप बात करें तो ट्रांसफार्मर में जब कोई लॉसेस ना हो, बिल्कुल कोई लॉसेस ही ना हो, तब उसको कहेंगे बिल्कुल आदर्श ट्रांसफार्मर है, बिल्कुल आइडियल ट्रांसफार्मर। कभी ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो जब ऐसा नहीं हो सकता तो हम जिसका यूज करते हैं, जिसको हम व्यवहार में ले आते हैं, उसी को प्रैक्टिकल करते हैं, प्रैक्टिकली कहते हैं। और हम व्यवहार में उसको ला रहे हैं तो जरूर है उसमें कुछ ना कुछ लॉसेस होंगे। तो जिसमें जो आइडियली नहीं है वो प्रैक्टिकली है, ठीक है, आप सिंपली ऐसे समझ सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम आइडियल वोल्टेज सोर्स की बात करें तो आइडियल वोल्टेज सोर्स हम किसी को ईमानदार कब कहेंगे? हम ईमानदार अगले को तभी कहेंगे जब हमने उसको 100 रुपया दिया और 100 रुपये का टोटल काम करके मेरे पास आया, तब ना आप उसको ईमानदार कहेंगे। और उसको मैंने 100 रुपया दिया और 10 रुपये अपने अंदर रख लिया, 90 रुपये अगर काम किया तो ईमानदार हुआ? नहीं हुआ, ठीक है। तो हम यह मान के चल रहे हैं कि हमारा जो सोर्स है, अगर यहाँ हम 10 वोल्ट दे रहे हैं तो 10 का 200 वोल्ट लोड को प्रोवाइड कर रहा है, तभी नहीं आइडियल होगा। तो जब ये टोटल वोल्टेज यहाँ लोड को प्रोवाइड कर देगा, इसका मतलब बीच में कोई ड्रॉप नहीं हो रहा है, मतलब कोई लॉस नहीं हो रहा है वोल्टेज का, ठीक है। तो तभी नहीं, मान लीजिए यहाँ पे 10 वोल्ट है, यहाँ पे कितना है, 10 वोल्ट है, और टोटल यहाँ पे 10 वोल्ट की एनर्जी इसको मिल रही है, इसका मतलब बीच में कोई ड्रॉप नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये जो सोर्स है, सोर्स के अंदर कोई चोरी नहीं है, चोरी नहीं मतलब कोई वोल्टेज का ड्रॉप नहीं है। अब वोल्टेज का ड्रॉप तभी नहीं हो सकता जब अंदर कोई रेसिस्टेंस ना हो, मतलब इसके सीरीज में कोई रेसिस्टेंस एड ना हो, ठीक है। यानी कि जो इसका इंटरनल रेसिस्टेंस होता है आइडियल वोल्टेज सोर्स का, क्या होता है, जीरो होता है, तभी वो सर्किट को मैक्सिमम वोल्टेज प्रोवाइड करेगा। तो रेसिस्टेंस जीरो होगा तो कंडक्टेंस कितना होगा, इनफाइनाइटी है ओम्स में और ये साइमेंस में, ठीक है, या ओम यूनिवर्स में। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं आइडियल का, आइडियल। लेकिन कोई भी चीज आइडियल नहीं है इस दुनिया में, मतलब इसमें कुछ ना कुछ, कोई भी सोर्स है, चाहे आपका जनरेटर है या बैटरी है, जो भी वोल्टेज सोर्स है, उसके अंदर कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होता है जिसको हमने यहाँ ऐड कर दिया है। जब यहाँ अपने रेसिस्टेंस ऐड कर देते हैं तब ये क्या बन जाता है, प्रैक्टिकली वोल्टेज सोर्स मिल जाता है। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि वोल्टेज सोर्स में रेसिस्टेंस हमेशा वोल्टेज के सीरीज में ऐड किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह सर्किट को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा इसका यूज होगा। अभी हम इसके बाद आपको हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाएंगे भी सोर्स कन्वर्जन से रिलेटेड। तो ये आपका क्या है, प्रैक्टिकल है, ठीक है। अब इसी तरह से करंट सोर्स की हम बात करें तो करंट सोर्स, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स का नोटेशन ऐसे ही होता है, चाहे ये वोल्टेज सोर्स का है चाहे करंट सोर्स का है।
अगर इंडिपेंडेंट है तो नॉन लीनियर यूनिलैटरल एलिमेंट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आइडियल की हम बात करेंगे तो ये जो करंट सोर्स है ये लोड को मैक्सिमम करंट तब कब देगा जब इसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं होगी, ठीक है। यानी कि यहाँ जो आपका रेसिस्टेंस होगा वो बहुत हाई होगा, मतलब इनफाइनाइट रेसिस्टेंस होगा, ठीक है। तभी ना यहाँ करंट आई, अंदर फ्लो ना होकर के टोटल लोड को फ्लो हो गई, तो मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, तब तभी नहीं होगी जब यहाँ कोई, यहाँ जो भी रेसिस्टेंस होगा बहुत हाई होगा। इसलिए इसका इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होता है, बहुत हाई होता है आइडियल का। और जब रेसिस्टेंस बहुत हाई होगा तो करंट क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है ना। बट प्रैक्टिकल में ऐसा संभव नहीं है, जो भी रेसिस्टेंस होता है करंट सोर्स के किस में होता है, पैरेलल में होता है, ठीक है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकली करंट सोर्स, ठीक है। हम बहुत ज्यादा नहीं बता रहे, बहुत ज्यादा समझाना भी जो है नुकसान कर जाता है, इसलिए उतना ही समझिए जितना जरूरी है, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंट सोर्सों के मैंने बारे में बताया। इंडिपेंडेंट सोर्स में हम सर्किट को चाहे वोल्टेज सोर्स दें चाहे करंट सोर्स दें, उसमें करंट की वैल्यू बढ़ने से या घटने से उस पर्टिकुलर वोल्टेज के या करंट की मान में कोई चेंजिंग नहीं होगी जो इनपुट वोल्टेज सोर्स है आपका, इसलिए यह इंडिपेंडेंट है। डिपेंडेंट में क्या होगा, पर्टिकुलर ब्रांच के वोल्टेज और करंट पर इनपुट सोर्स क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक है ना। इसका नोटेशन ऐसे आपको बनाना मिलता है। और यहां देखिए ये आपका लीनियर बाइलेटरल, और ये क्या है आपका लीनियर एलिमेंट है और बाइलेटरल एलिमेंट है, इसलिए हम इसको पैसिव एलिमेंट भी कहते हैं। तो यहाँ जो है डिपेंडेंट सोर्स को हम लीनियर बाइलेटरल और पैसिव एलिमेंट कहते हैं, इसको पैसिव एलिमेंट भी कहते हैं, इस पॉइंट को भी नोट जरूर करिएगा। ये क्या है आपका, पैसिव एलिमेंट है, ठीक है ना। तो ये जो है पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको डिपेंडेंट सोर्स आपको ऑप्शन में दे दिया गया कि निम्न में से कौन सा जो है आपका कौन सा जो है लीनियर है कौन नॉन लीनियर है, तो मान लीजिए इसी में से अगर दो ऑप्शन इसमें से या दो ऑप्शन इसमें से दे दे, नॉन आप टूज अगर कह दे, मान लीजिए एक ऑप्शन इसमें से दे दे, तीन ऑप्शन इसमें से दे दे, तो आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए आप यहाँ ध्यान जरूर दीजिएगा कि जो डिपेंडेंट सोर्स होता है वो लीनियर बाइलेटरल और पैसिव एलिमेंट होता है, और जो इनडिपेंडेंट सोर्स होता है वो नॉन लीनियर यूनिलैटरल और एक्टिव एलिमेंट होते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ क्लासिफाई मैंने कर दिया अच्छे तरीके से, और आपको समझा दिया विथ एग्जांपल, मैंने बता दिया अच्छे तरीके से कि आइडियल और प्रैक्टिकल क्या होते हैं। आपको देखिए इन सभी चीज़ों का निचोड़, मतलब इन सब चीज़ का निष्कर्ष क्या है, मैं आपको सीधे बता दे रहा हूँ। दो प्रकार के सोर्स हैं आपके, डिपेंडेंट सोर्स और इनडिपेंडेंट सोर्स। जितने भी सर्किट होती हैं, हम जितने भी सर्किट का यूज करते हैं, मैक्सिमम में इंडिपेंडेंट सोर्स का ही यूज होता है। डिपेंडेंट का केवल ट्रांजिस्टर वगैरह की मॉडलिंग में यूज किया जाता है, और इंडिपेंडेंट का ही हम सर्किट में यूज करते हैं, ठीक है ना। इसका जो वैल्यू होता है सर्किट का, जो वोल्टेज और सोर्स की जो पर्टिकुलर वैल्यू होते हैं, मान लीजिए 20 वोल्ट है, 10 वोल्ट है, चाहे 10 एम्पियर है, 5 एम्पियर है, वो अन्य ब्रांच के रेसिस्टेंस करंट या वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करते हैं। और डिपेंडेंट में ठीक इसका उल्टा होता है, ठीक है ना। बस निष्कर्ष नंबर एक हो गया। निष्कर्ष नंबर दो हो गया कि हमेशा वोल्टेज सोर्स के सीरीज में रेसिस्टेंस ऐड होता है, और करंट सोर्स के पैरेलल में हमेशा रेसिस्टेंस क्या होता है, ऐड होता है। और तीसरा इसका निष्कर्ष क्या हुआ कि आइडियल वोल्टेज सोर्स है तो उसका इंटरनल रेसिस्टेंस जीरो होता है, अगर आइडियल करंट सोर्स है तो उसका इंटरनल रेसिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, बहुत ही मैक्सिमम होता है। तो इस प्रकार से हमने आपको सोर्स के बारे में बताया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ सोर्स का कन्वर्जन कैसे होता है, करंट सोर्स टू वोल्टेज सोर्स या वोल्टेज सोर्स टू करंट सोर्स, क्योंकि हमारा यहाँ पढ़ने का बेसिक फंडामेंटल, अगर कहा जाए बेसिक फंडामेंटल मुद्दा अगर है तो सोर्स कन्वर्जन ही है। तो अब हम सोर्स कन्वर्जन पढ़ेंगे, या फिर उस पर एक एग्जाम्पल आपको हम प्रोवाइड कराएंगे, एक सर्किट को सॉल्व करके हम आपको दिखाएंगे, आपका पूरा फंडामेंटल क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको रब करते हैं। हाँ तो बच्चों यहाँ पे दो एग्जांपल आपके सामने मैंने रिप्रेजेंट किया है, ये आपका करंट सोर्स है, इसको हमें वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है, ये आपका वोल्टेज सोर्स है, इसको हमें करंट सोर्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। वी हैव टू कन्वर्ट इन वोल्टेज सोर्स, वी हैव टू कन्वर्ट इन करंट सोर्स। यहाँ पे आपके दो
सर्किट्स दिए गए हैं, ठीक है ना। तो देखिए बहुत छोटा और सिंपल एग्जांपल आपके सामने रखा गया, रखा हूँ आपने, क्योंकि किसी ने कहा है हमेशा सोच को बड़ी रखना चाहिए लेकिन शुरुआत छोटे से करना चाहिए, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान से रखिएगा कि हमें बहुत बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करना है लेकिन शुरुआत हमेशा आप क्या करेंगे, छोटे क्वेश्चन से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए करंट सोर्स है तो जाहिर सी बात है इसके पैरेलल में रेसिस्टेंस जुड़ा रहेगा, ये आपके वोल्टेज सोर्स है तो जाहिर सी बात है इसके सीरीज में रेसिस्टेंस जुड़ा रहेगा, ठीक है ना, ये तो है। लेकिन जो भी ये सोर्सेस हैं ये आपके कौन से सोर्सेस हैं, ये प्रैक्टिकल सोर्सेस हैं, आइडियल सोर्सेस नहीं है। क्योंकि आइडियल हम क्यों यूज करें जब हम कहीं उसको यूज, कहीं उसको केवल कल्पना मात्र है वो, तो ठीक है ना। तो यहाँ देखिए यहाँ 3 एम्पियर करंट है, आई की वैल्यू कितनी है 3 एम्पियर है, 3 एम्पियर हैज बीन गिवन, रेसिस्टेंस वैल्यू क्या है 6 ओम हैज बीन गिवन, वोल्टेज इक्वल टू वी नो दैट आई इंटू आर, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई एंड आर हियर, 3 × 6 वी विल फाउंड 18 वोल्ट हियर। तो यहाँ आपने क्या देखा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना वोल्ट होगा, 18 वोल्ट होगा। तो यहाँ पे आप सोर्स आप यहाँ क्या लिख देंगे, 18 वोल्ट लिख देंगे, ठीक है ना। लेकिन जो रेसिस्टेंस ये पैरेलल में था इसको हम उठा के क्या कर देंगे, सीरीज में कर देंगे, और फिर जैसा जो लोड है वैसे को इसे हम क्या कर देंगे, पोर्ट कर देंगे। तो इस प्रकार से आपका क्या हो गया, ये जो करंट सोर्स है ये वोल्टेज सोर्स में बहुत ईजिली क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कैसे कन्वर्जन होता है करंट सोर्स टू वोल्टेज सोर्स आपने यहाँ पे देख लिया। अब यहाँ पे देखिए कैसे करंट सोर्स से वोल्टेज सोर्स, कैसे वोल्टेज सोर्स से कैसे करंट सोर्स में कन्वर्जन होता है। तो करंट सोर्स के लिए करंट को जानना जरूरी है, तो आई बराबर वी अपॉन आर यू नो बाय यूजिंग ओम्स लॉ, देन पुटिंग द वैल्यू ऑफ वी, वी हैज बीन गिवन 20 वोल्ट एंड आर हैज बीन गिवन 10, देन 2 एम्पियर I इक्वल टू 2 एम्पियर, आपने क्या पाया I इक्वल टू 2 एम्पियर। तो हम यहाँ पे क्या कर दिया, सोर्स लगाया 2 एम्पियर का, ठीक है। देखिए ये डायरेक्शन हमेशा ध्यान देने वाली बात है कि अगर प्लस ऊपर होगा नीचे होगा, माइनस नीचे होगा, तो हमेशा तीर की दिशा ऊपर होगी, ठीक है ना। जो एरो होगा ये अपर डायरेक्शन में होगा, क्यों, क्योंकि हमेशा करंट हाई से निकल के लो की ओर जाती है, तो उधर ही हमारा ये यहाँ पे इसका हेड होगा, या ध्यान दीजिएगा। तो ये 2 एम्पियर हो गया। अब जो रेसिस्टेंस होगा हमें इसके पैरेलल में लगाना होगा 10 ओम, और फिर यहाँ पे जो लोड है यहाँ पे हमें लोड लगाना होगा। इस प्रकार से आपने क्या देखा कि आपका ये वोल्टेज सोर्स था जो बहुत ही आसानी से किस में कन्वर्ट हो गया, करंट सोर्स में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से मैंने आपको छोटा सा एक दर्पण बताया कि कैसे वोल्टेज सोर्स का करंट सोर्स में, करंट सोर्स का वोल्टेज सोर्स में कैसे हम कन्वर्जन करते हैं, ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए हो सकता है हमारे वीडियो की क्वालिटी बहुत अच्छी ना हो, तो आपको इसके लिए थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा करके मैनेज करिएगा, ठीक है, ओके। तो इस तरह से आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको इस पर उदाहरण कुछ एग्जांपल दे देता हूँ जो आप सॉल्व करके हमें बताइएगा, फिर इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे, ओके। हाँ बच्चों, तो इस तरह से 2 क्वेश्चन मैं आपके सामने दे दिया हूँ। ये आपका वोल्टेज सोर्स है, इसको आपको करंट सोर्स में कन्वर्ट करना है, या आपका करंट सोर्स है इसको आपको क्या करना है, वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है। यू हैव टू कन्वर्ट हियर, ये आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है, हमें नहीं। तो अब हम इस पर अब क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं, तो हमें क्वेश्चन देखिए, उसके बाद मेरा जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा वो सारा वीडियो जो होगा वो डीसी सर्किट के कॉम्प्लिकेटेड से लगाए इजी तक के हर तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे जो भी पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद थ्योरम वगैरह चलेंगे, हैं, ओके। तो अब हम क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं, अब देखिए उसको, ठीक है। हाँ तो बच्चों एक देखिए क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, यहाँ आपको इस 8 ओम के क्रॉस कितना वोल्टेज होगा, यही हमें क्या करना है यहाँ पे, फाइंड करना है, ठीक है ना। हमें इसके क्रॉस टोटल वोल्टेज को डिटरमाइन करना है, फाइंड करना है बाय सोर्स कन्वर्जन, ठीक है। आप कोई भी तरीका, चाहे सुपर पोजिशन लगा लीजिए, चाहे थेवेनिन लगा लीजिए, चाहे नॉर्टन लगा लीजिए, चाहे किरचॉफ लगा लीजिए, कोई भी लगा के लगा सकते हैं, लेकिन हमेशा आपको वही यूज करना है जो आपके लिए ईजी हो, ठीक है, आप इजीली कर सकें। तो हम देखिए सोर्स कन्वर्जन से इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे करंट जो है 3 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, इसके पैरेलल में रेसिस्टेंस है, तो हम इसको हम क्या कर सकते हैं, वोल्टेज सोर्स में बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो करंट सोर्स है इसको हम वोल्टेज सोर्स में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वोल्टेज सोर्स है, तो हम इसको करंट सोर्स में इजीली क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ये नहीं है
कि यहाँ का जो करंट आया यहाँ का करंट आया आपस में जोड़ दें चाहे घटा दें, ऐसा नहीं कर सकते। अगर बीच में रेसिस्टेंस है तो, अगर नहीं है, सब सिंपल में है, आपस में आमने सामने हैं, तो हम इनको जोड़ घटा सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। बशर्ते बीच में कोई रेसिस्टेंस एड ना हुआ हो, क्योंकि ड्रॉप कर देगा, ठीक है, टोटल हमें नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पर इसको हम करेंट सोर्स में कन्वर्ट करेंगे, इसको हम वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो एक बार कन्वर्ट करके देखते हैं। तो यहाँ देखिए, ये करंट जो फ्लो हो रहा है, तो यहाँ प्लस बनाएगा, यहाँ पे क्या बनाएगा, माइनस, यानी कि जो भी हमें वोल्टेज सोर्स मिलेगा ऊपर माइनस होगा और नीचे क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है ना। तो हमें वोल्टेज मिलेगा क्या, चार त्या 12, 4 3 एंजा 12 वोल्ट मिलेगा। अब ये जो 4 ओम है बेटा, ये सीरीज में कनेक्ट हो जाएगा, कितना, 4 ओम। ऑलरेडी 2 ओम तो है ही है, तो यहाँ पे 2 ओम तो लिखेंगे ही लिखेंगे। और फिर यहाँ पे जो 8 है, हम 8 को ऐसे ही क्या कर देंगे, पुट कर देंगे इसी के क्रॉस, तो हमें वोल्टेज निकालना है, ठीक है। अब इसको हम करेंट सोर्स में कन्वर्ट कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, I बराबर V अपान R, तो 3 चौक का 12 3 4 एंजा 12। तो यहाँ पे आपको 3 ओम क्या हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा, और यहाँ पे जो भी आपका करंट सोर्स है ये ऊपर होगा, कितना, 4 एम्पियर ऊपर, क्योंकि प्लस ऊपर है ना, इसलिए इसका जो हेड होगा वो क्या होगा, ऊपर होगा। तो यहाँ पे 4 एम्पियर होगा, यहाँ पे अगर दिख ना रहा हो तो इसको मैनेज कर लीजिएगा, यहाँ पे 4 एम्पियर होगा, ठीक है। तो या और जो भी रेसिस्टेंस सीरीज में था उसको हमने क्या कर दिया, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। तो अब यहाँ आप देखिए, यहाँ आप देखिए, तो दोनों सीरीज में हो गए, तो इनके जगह पे क्या हो जाएगा, 6 ओम हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। आप चाहे तो इनको रब करके यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 6 ओम लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, 6 ओम लिख सकते हैं, बहुत ईजिली। अब फिर यहाँ पर हमें एक करेंट सोर्स में वोल्टेज सोर्स मिल गया, यहाँ पे हमें फिर एक वोल्टेज सोर्स मिल गया। अब इसको हम करंट सोर्स में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। देखिए कितना इजी हो जाएगा ऐसा करने से, जब हम इसको करंट सोर्स में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 6 12 यानी कि 2 एम्पियर करंट आएगा। तो 2 एम्पियर का डायरेक्शन देखिए कैसे होगा, नीचे होगा, क्योंकि प्लस क्या है, नीचे है, इसलिए हेड क्या होगा, नीचे होगा, 2 एम्पियर। और जो भी रेसिस्टेंस था जो सीरीज में था वो क्या हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा, यहाँ पे 6 ओम। अब फिर यहाँ पे आपको कितना, 8 ओम तो दिया ही दिया है, तो 8 ओम ऐसे कर दीजिए। अब फिर आपको क्या दिया है, 3 ओम दिया है, तो 3 ओम तो यहाँ लिखेंगे ही लिखेंगे। अब फिर आपका करंट सोर्स कितना मिला है, 4 एम्पियर मिला है, तो यहाँ पे आप 4 एम्पियर तो लिखेंगे ही लिखेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपने क्या देखा कि यहाँ पे 2 एम्पियर नीचे है और 4 एम्पियर यहाँ ऊपर है, और बीच में कोई रेसिस्टेंस नहीं है, तो इनको आपस में हम क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट ऐड कर सकते हैं क्या, अकॉर्डिंग टू साइन। तो यहाँ पे नीचे का डायरेक्शन है, यहाँ पे ऊपर का डायरेक्शन है, तो दोनों को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 4 में से जब 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 एम्पियर होगा। इसका डायरेक्शन ऊपर है, तो जो 2 एम्पियर हमको मिला उसका भी डायरेक्शन क्या करना होगा, ऊपर ही करना होगा, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा है, इसका डायरेक्शन ऊपर है, इसलिए हमें जो भी निकालेंगे तो उसका भी डायरेक्शन हम क्या कर देंगे, ऊपर कर देंगे। मान लीजिए कि अगर यहाँ पे 4 होता, यहाँ पे 2 होता, तो सब्ट्रैक्ट तो ज़रूर करते हैं, क्योंकि दोनों अपोजिट हैं, सब्ट्रैक्ट तो करेंगे ही करेंगे, डायरेक्शन अपोजिट है। तो अब यहाँ पे 4 होता, यहाँ पे 2 होता, तो 2 एम्पियर आता, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या होता, नीचे आता, क्योंकि 4 वाला एक डायरेक्शन क्या हो गया है, नीचे हो गया है, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए दोनों सेम डायरेक्शन में होता, 2 यहाँ भी 4 यहाँ पे, और दोनों ऊपर होते, तो दोनों को ऐड कर लेते, 4 2 6 एम्पियर हो जाता, ठीक है। तो इस प्रकार से सोर्स कन्वर्जन होता है, मतलब सोर्स को एडिशन सब्ट्रैक्शन हम करते हैं। तो यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, डायरेक्शन चेंज है, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम सॉल्व करने के लिए हमें ऊपर के थोड़ा सा रब करना पड़ेगा इसको। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीधे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा आपका, 2 एम्पियर। इसका भी डायरेक्शन किधर होगा, ऊपर की ओर होगा, 2 एम्पियर, ठीक है ना। अब फिर यहाँ पे हमें इसके क्रॉस तो वोल्टेज ही निकालना है, तो ये दोनों पैरेलल में हैं, तो इनका पैरेलल वैल्यू निकाल करके बीच में हम पुट कर दें, तो हमें मिल जाएगा क्या, क्या मिल जाएगा, अगर ये 6 और 3 को पैरेलल मान निकालें तो R बराबर मिलेगा क्या, 6 × 3/6+3 18/9, तो कितना होगा, 2, तो क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे क्या, 2 ओम, और यहाँ पे क्या है, 8 ओम, ठीक है,
यहाँ पे 8 ओम हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 2 ओम। अब हमें इसके क्रॉस वोल्टेज निकालना है, तो ज़रा सोचिए एक बार, जब तक हम इसमें करंट नहीं फ्लो करवा पाएंगे, करंट की वैल्यू जब तक हम नहीं जानेंगे इस ब्रांच में कितना फ्लो हो रहा है, तब तक हम वोल्टेज निकाल ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वोल्टेज बराबर क्या होता है, आई इंटू आर होता है। तो आर तो मालूम है, आई भी हमें मालूम होनी चाहिए। तो किस लिए बताएं हम करंट डिस्ट्रीब्यूशन, इसीलिए बताएं यहाँ 2 एम्पियर करंट यहाँ तक आ गया है, 2 एम्पियर। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है 2 ओम में और 8 ओम में। हमें 8 ओम में जानना है कितना करंट फ्लो हो रहा है, 8 ओम में इसमें जानना है। तो इसको ऊपर रखेंगे 2, और दोनों का एड नीचे रखेंगे, ठीक है, और टोटल करंट का यहाँ कर देंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ 10 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/5, तो कितना हो जाएगा 0.4 एम्पियर। तो यहाँ आपने क्या देखा कि इस फ्लो ब्रांच में कितना करंट फ्लो हो रहा है, 0.4 एम्पियर करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो आप वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा 8 × 0.4 यानी कि 3.2 वोल्ट। तो इस प्रकार से आपको 3.2 वोल्ट बहुत ही आसानी से बाय सोर्स कन्वर्जन आपको फाइंड हो गया, ठीक है। अगर आप चाहो ये चाहें इसको दूसरे मेथड से लगाना है यहाँ पे, तो फिर इस करंट सोर्स को आप वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर दीजिए। तो वोल्टेज सोर्स में करेंगे तो 4 वोल्ट यहाँ होगा, 2 ओम यहाँ हो जाएगा, तब भी आपको आसानी से 8 ओम में फ्लोइंग करंट निकल जाएगी, तो वोल्टेज भी आपको फाइंड आउट हो जाएगा। इस प्रकार से कैसे सोर्स कन्वर्जन से आपने देखा कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम बहुत ही इजीली सॉल्व हो गया, ठीक है। तो सोर्स कन्वर्जन आपको आना चाहिए, क्योंकि आप आगे की सर्किट जब सॉल्व करेंगे तो इसमें इसका बहुत अच्छा खासा यूज मिलेगा, ठीक है ना। हमारी बातें अगर आपको समझ में आई हो तो हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, हमें प्रमोट करिए, कमेंट में आपका अपना सुझाव दीजिए। अगर ऐसा कुछ आप करेंगे तो हमें वीडियो बनाने में एक प्रकार का फोर्स मिलेगा, एक प्रकार की प्रेरणा मिलेगी, ठीक है। ओके, इसी के साथ हम वीडियो क्लोज करते हैं। थैंक यू।